हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ सैमसंग M21 का रिव्यू, जो मैंने कुछ दिन पहले ही अमेजोन से ऑर्डर किया था और ये मुझे 2 से 3 दिन में डिलीवर हो गया था। गाइस, मैं पहले इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने वाली थी, बट फ्लिपकार्ट की डिलीवरी 8 to 10 days दिखा रहा था, इसलिए मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया। अमेजोन की डिलीवरी काफ़ी फास्ट है और ये मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। आप लोग अगर सैमसंग M21 लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप इसे अमेजोन से ही लीजिएगा। गाइस, इसकी कुछ पैकेजिंग इस टाइप की होती है, ये देखिए, और इसके अंदर फोन होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, फोन के ऊपर का डिब्बा कुछ इस टाइप का होता है। मार्केटिंग प्राइस इसकी 16,000 रुपये है, बट अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसके डिब्बे पे भी मेंशन है 16,000 रुपये। ये देखिए, इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है। आइए चलते हैं फ़ोन को अनबॉक्स करने। गाइस, मैंने इसका रावण ब्लैक कलर ऑर्डर किया था। ये 3 कलर्स में अवेलेबल है, इंडोनेशिया ब्लू, आइसबर्ग ब्लू और रावन ब्लैक। अगर आप चाहें तो आप किसी भी कलर पे ऑर्डर कर सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद हो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। बॉक्स की दूसरी साइड आपको सिम कार्ड टूल डालने वाला मिल जाएगा, जिससे आप सिम को डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। और ये आपको अमेजोन का वारंटी कार्ड मिल जाएगा। ये देखिए फोन, गाइस फोन कुछ इस टाइप का है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे इसके साथ टेम्पर्ड ग्लास पहले से मिला हुआ है, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये मैंने दुकान से डलवाया हुआ है। इसके साथ ना ही आपको कवर, गाइस इसके साथ आपको टेम्पर्ड ग्लास और ना ही बैक कवर और ना ही ईयरफोन, आपको इसके साथ कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको फ़ोन मिलेगा और इसके साथ आपको चार्जर मिलेगा। आइए बात करते हैं इसके चार्जर के बारे में। तो अगर आप सैमसंग का ब्लैक कलर ऑर्डर करेंगे तो आपको चार्जर जो है वो ब्लैक कलर पे मिलेगा, बट अगर आप इसका कोई और कलर ही ऑर्डर करते हैं तो आपको चार्जर वाइट कलर का प्रोवाइड किया जाएगा। मुझे चार्जर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, ये फ़ोन को 2 घंटे में फुल चार्ज कर देता है और फ़ोन आपका 1 दिन तक चल जाता है। इसका बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फ़ोन कुछ इस टाइप का है, दिस साइड आपको सिम डालने वाला मिल जाएगा। आप इसमें डुअल सिम यूज़ कर सकते हैं और एक SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी साइड आपको लॉक बटन, वॉल्यूम बटन मिल जाएगी और पीछे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। और ये ट्रिपल कैमरा है और पीछे आपको फ्लैश लाइट भी मिल जाएगी और आगे ये फ्रंट कैमरा है। आइए इसे मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये कुछ इस टाइप का फ़ोन है। ऊपर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन सेटिंग्स मिल जाएगी, इसमें आपको डार्क मोड भी मिल जाएगा। नोटिफिकेशन सेटिंग में आप ऐसे स्वाइप करेंगे तो आपको ये नीचे डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे इनेबल करेंगे तो ये देखिए आपका फ़ोन डार्क मोड में हो जाएगा। अगर आप डार्क मोड नहीं चाहते हैं तो इसको फिर से प्रेस कर देंगे तो आपका वाइट मोड में आ जाएगा। गाइज, मुझे इसकी एक सेटिंग बहुत अच्छी लगी है, आप कैमरा ही जैसे ही ओपन करेंगे, अगर आपको वीडियो बनाना है तो आप ये देखिए मैं फ़ोटो पे हूँ, आप इसको प्रेस करे रहेंगे तो आपका वीडियो ऑटोमेटिकली बनने लगेगा, ये देखिए। और आप इसको जैसे ही छोड़ देंगे ये सेव हो जाएगा। गाइज, इसमें डिलीट किया हुआ जो भी आइटम्स होता है वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर आप उसको दोबारा रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप उसको रिसाइकल बिन से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, उसको मैंने डिलीट कर दिया और वो रिसाइकल बिन में चला गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ऐसे गैलरी खोलना है, ये नीचे 3 डॉट्स आपको मिलेंगे, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिसाइकल बिन का, आप ऐसे इसको दबाएंगे, ये देखिए मैंने जो अभी वीडियो बनाया था वो यहाँ पर आ गया। अगर आप इसे भी डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। गाइस, आप इसमें डुअल मैसेंजर, डुअल फेसबुक अकाउंट, आप इसमें कुछ भी चला सकते हैं। इसमें काफ़ी एडवांस सेटिंग दी हुई है, आपको ऐसे सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडवांस फीचर में आपको जाना है। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मोशन एंड जेस्चर का, तो आप इसमें डबल टैप
ऑन स्क्रीन करेंगे, डबल टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगी, और डबल टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। ये मैंने इनेबल करके रखा हुआ है बिकॉज ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि इसमें ऑप्शन है स्क्रीनशॉट लेने का, आपको वॉल्यूम बटन और लॉक बटन एक साथ प्रेस करेंगे तब आपका स्क्रीनशॉट होगा। बट इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है पाम स्वैप टू कैप्चर, आप अपने हैंड को ऐसे ही जैसे ही स्वैप करेंगे इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। और गाइज मुझे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी बहुत अच्छा लगा, ये काफ़ी जल्दी वर्क करता है। मैं आप लोगों को एक बार ही कर दिखा देती हूँ। आपको ऐसे सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आप ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको ऐसे दबाएंगे फिर स्क्रीन लॉक टाइप। आप अभी देख सकते हैं मेरा स्वाइप है यहाँ पे, बट मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। आपको पहले एक पैटर्न इसमें डालना होगा, उसके बाद ही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर लगेगा। तो मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ, आपको एक बार और वही डालना है, कन्फर्म कर देते हैं, इसके बाद डन कर देंगे हम। ये देखिए, सॉरी गाइज मैं अपना नेट ऑन करना ही भूल गई, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरा पैटर्न लग चुका है, उसके बाद हम इसको फिर से ऐसे करेंगे और अपना आपने जो पैटर्न डाला है उसको आप ऐसे दबाएंगे, उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा फिंगरप्रिंट का, इसको इनेबल कर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आप। ये देखिए बता रहा है कि ऐसे ऐड करें, तो आपको कुछ नहीं सिंपली करना, ये देखिए आपको अपना हाथ ऐसे पीछे करना है, उसके बाद डन कर देंगे। बोल रहा है ट्राई इट आउट, एक बार और आपको ऐसे करना है। ये देखिए गाइस पैटर्न और फिंगरप्रिंट मेरा दोनों लग चुका है। अब मैं आपको एक बार यूज करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इसे ऐसे लॉक किया, अब आप देख सकते हैं ये देखिए कितनी जल्दी वर्क कर रहा है ये देखिए गाइस। और गाइस अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर हटाना चाहते हैं तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको लॉक स्क्रीन पे जाना है, फिर स्क्रीन लॉक टाइप पे आपको जाना है, आपने जो भी पैटर्न डाला था आपको एंटर करना है, उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट डिसेबल कर देना है। अगर आप फिर से स्वैप करना चाहते हैं तो स्वैप में करेंगे, रिमूव डाटा आप कर देंगे, रिमूव कर देंगे, आपका सब कुछ रिमूव हो जाएगा, फिर से आप स्वाइप करके अपना वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डबल टैप ऑन स्क्रीन इनेबल करके रखा हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें ऐसे आप डबल टैप करेंगे फ़ोन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, फिर आप डबल टैप करेंगे तो फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा। गाइस इस फ़ोन के साथ आपको ईयरफोन प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट आप अगर किसी भी ब्रांड का ईयरफोन इसके साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ किसी भी ब्रांड का ईयरफोन वर्क करता है, आप उसके साथ वीडियो ऑडियो कुछ भी सुन सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मुझे कॉमेंट्स करिए। Thank you so much guys, thanks for watching।